गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, चिड़ियों की चहकने की आवाज़ से तो आपको लग ही रहा होगा, धूप बहुत ही अच्छी निकल गई है। तो चलिए इसी के साथ वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्पेशल एंड ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ टाउन प्लाजा, कोई कोई सामान लेने थे और मसाले वगैरह ही ख़त्म हुए थे किचन के लिए, और कुछ सब्जी भाजी भी ली हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल रेसिपी, उसी के लिए आई हूँ। तो रेसिपी क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, आपको होप कि बहुत पसंद आएगी। और हम आ गए हैं घर, घर आने के बाद हमने कट किए वाटरमेलन। धूप बहुत तेज़ी हुई है और वाटरमेलन भी खाने का मन हो रहा था, तो क्रिशो में सॉल्ट डाल के लाई हूँ, लेकिन वो भी उनको अभी खुद से डालने हैं। तो देखिए वो क्या क्या बोल रहे हैं और सॉल्ट डाल रहे हैं। यहाँ से वीडियो को म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि न्यूज़ चल रही थी और आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी टीवी पर, इसीलिए। तो हम यहाँ पे पहले अपना ब्रेकफास्ट करते हैं कंप्लीट, फ्रूट्स वगैरह। तो वाटरमेलन, केवल वाटरमेलन ही कट हुआ है क्योंकि एक तो पहले वो सब बड़ी होती है और एक साथ नहीं खाओ तो फिर अच्छी नहीं लगती है, जो काट के आधा रखा हुआ रहता है। तो हम इसे फिनिश करते हैं फिर चलते हैं किचन की तरफ। आपके साथ लेके आ गई हूँ मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी और फटाफट वाली, बहुत कम टाइम में। तो मैंने आंवला ले लिया है और यहाँ पानी गर्म होने के लिए रखा है पानी, और इसके ऊपर मेरे पास यही जाली थी तो मैं ये जाली रख दी हूँ। और आंवले को ना अच्छे से वाश कर ली हूँ, और वाश करके फिर उसको हम मैं 10 मिनट के लिए धूप में रख दी थी। धूप तो तेज आ ही गई थी और इधर सारे खाना भी बनने में लगे हुए हैं क्योंकि खाना के साथ साथ ना ये भी बन जाएंगे। तो ये आंवला को मैं बस गिनती के 12 आंवले ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसे मैं अच्छे से पोंछ ली हूँ धो के, देखिए आप ये। और इसको अभी हम पानी में केवल स्टीम से इसको पकाएंगे, और एक कच्चा भी बनाते हैं तो इसको ऐसे फॉक से उसमें होल करने में ना बहुत ऐसे छींटे भी उड़ते हैं और बहुत तेज हाथ में भी छटक के लगते हैं, तो वो काम हम नहीं करेंगे, न्यू रेसिपी बनाते हैं। आप भी हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए, और रेसिपी अगर पसंद आ जाए तो आप भी अपने किचन में ट्राई कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। इधर देखिए दाल चावल दूध सब एक साथ रख दिया है बनने को, तो धीरे धीरे बनता भी रहेगा। तो इसे मैं ढक देती हूँ और ढकने के बाद स्टीम होने तक वेट करते हैं। और गैस को मैंने कर दिया है लो, बहुत तेज़ पे नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपना स्टीम होता रहेगा। तो बहुत ही गर्म हो गया था प्लेट और एक बार तो मेरी हाथ भी जल गई थी। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से स्टीम बॉयल हो गया है, और क्रिशु भी परेशान कर रहा है। तो ये देखिए फटने लगे हैं, तो इसे हम गैस को कर देते हैं बंद और निकाल लेते हैं प्लेट में। बहुत ही अच्छे से हो गया, जो कि मतलब बहुत थोड़े टाइम में। तो चलो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये हमने एक जाली पे निकाल लिया है ताकि जो भी पानी वगैरह हो ये सूख जाए, और मैंने धूप में रख दिया है 1 घंटे के लिए। तब तक बाकी जो खाना जो डाली थी वो कर लेती हूँ, उसके बाद हम फॉक से उसमें छोटे छोटे होल करेंगे और ये बहुत अच्छे से सुखा लेंगे ना। तो इसको हम स्टोर करके भी खा सकते हैं, लेकिन 10-12 ही है तो स्टोर करने की भी ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट जो प्रॉपर रेसिपी है उसको तो फॉलो करना है। तो हम चलो इसमें कर लेते हैं इस पर फॉक से छेद और फिर पकाना शुरू करते हैं। तो इसमें अच्छे से मैंने फॉक की मदद से, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ऐसे लगा दी हूँ चीरा। और ये कढ़ाई को मैं सुखा ली हूँ, ऐसे गर्म पे ही सुखाई हूँ। इसमें मैं डालती हूँ चीनी, 1/2 kg मेरा आंवला है तो 1/2 kg मैं चीनी डालती हूँ। जितना आंवला रहे उतना ही चीनी भी डालनी है ऐसे। इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, अगर 1/2 kg आंवला है तो मैं 350 ग्राम ची शक्कर और 150 ग्राम गुड़ भी डालती, लेकिन गुड़ मेरे पास थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, सो मैं केवल शक्कर से ही पकाऊंगी। तो शक्कर से हम पका लेंगे अच्छे से। इसे धीमी धीमी आंच पे बनाएंगे और हर एक 2-1 मिनट पे चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से बन ना जाए। इसके पास इसे ढक देंगे, ये चीनी धीरे धीरे पिघलेगी क्योंकि हमने मीडियम आंच कर दिया है। इसे ढक लेते हैं,
धीरे धीरे चीनी पिघलने लगी। अब पिघलते पिघलते एक बार मैं कृषु को बैठ के खिलाने, तो ये देखिए दो तीन आंवले ना थोड़े पकड़ लिए थे नीचे। मैं बिल्कुल मेरे माइंड से स्लिप ही हो गया कि मैंने गैस पे चढ़ाया भी है, इसलिए दो तीन ही, ज़्यादा नहीं, अब बाकी सब ठीक ठाक है। तो देखिए यहाँ पे चीनी कितनी अच्छे से पिघल गई है और ये साथ में बनना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, धीरे धीरे ये बॉयल होने लगा और आंवला उसी में पकने लगा। और जिसमें छेद किए थे और जो ये बॉयल होके चीरा लगा था उसके थ्रो अंदर तक पूरा जूस जाएगा और धीरे धीरे पकना शुरू कर ले। कितना सुंदर दिखने लगा ना, इसे हम एक तीन से चार बार ऐसे ढक ढक के। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, ये देखिए ये कितने अच्छे से पकने में लगी हुई है। और अभी भी टाइम है, 25 मिनट पकने के बाद इतना हुआ है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी कलर आनी शुरू हो गई है। ये देखो ऐसे मुरब्बे के कलर के आने लगे ना यहाँ पे, देखिए पास से दिखाती हूँ, और सारे ऐसे फूल के जैसे फट गए, यानी इसमें अच्छे से जूश जाने लगे हैं। देखिए पास में करने से ना कैमरे पे ऐसे आ रहा है। और ये दो तीन तो मैं कृषु के पास चली गई तो अचानक से जल गया था, तो कोई नहीं। और ये तो बहुत अच्छी बन गई है और 5-10 मिनट और बनेंगे, उसके बाद ये रेसिपी देखिए सारे अच्छे से फूल गए हैं और फूल के जैसे खिल गए हैं, ऐसे समय निकल गए सारे में आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी बनी है। तो फाइनली ये हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी कलर हो गई है, और ज़्यादा पकेगा तो इसका जो ये सीरा है चाशनी वो ज़्यादा ही ये हो जाएगा, मीन्स टाइट हो जाएगा। तो गैस को मैं कर देती हूँ बंद और थोड़ी देर बाद मैं ठंडे होने के बाद दिखाती हूँ कि ये कैसी बन के तैयार हुई है। और थोड़ी देर तो ये बहुत ही गर्म होंगे, ऐसे देखिए ऐसे एक काट वो ऐसे टूटने भी लगे हैं। तो गैस को मैं कर दी हूँ बंद और ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है। मैं आपको एक स्पून की मदद से दिखाती हूँ, बिल्कुल सही बनी है और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, और इसकी जूस मैं दिखाऊँ आपको, इसे आप महीनों सालों स्टोर करके खा सकते हैं क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा चाशनी में भी हमने पानी नहीं डाला था। ये देखिए कितनी अच्छी है, सबके अंदर ना अच्छे से जूस चली गई है, सारे ऐसे फूले फूले से बने हैं। ये देखिए ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, वाओ। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर ये हमारी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी रेसिपी फटाफट वाली आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। और ऐसे तरह के मुरब्बे आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कुछ ख़राब नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, और रेसिपी अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले और फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक अच्छे से रेसिपी के साथ नई ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।